नमस्कार, मैं हूं सीमा। आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर घर तिरंगा प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है और देश भर के ज्यादातर राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। राजधानी पटना में भी इसका आगाज हो गया है। केंद्र में मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद और नितिन नवीन के अलावा संजीव चौरसिया देखिए गाड़ी पे बैठे हुए हैं और लगातार उनके साथ जो है काफिला चल रहा है। सभी के हाथ में तिरंगा है और बाइक की जो एक रैली है उस शक्ल में निकाली गई है। आर ब्लॉक से लेकर के ये काफिला पार्टी कार्यालय तक यानी इनकम टैक्स तक पहुंचा है और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो भारत माता के नारे लगा रहे हैं और जो हम लोगों के दुश्मन है यानी सरहद के उस पार के जो लोग हैं उन्हें भी बताया जा रहा है कि हमें किसी तरह से कमजोर न समझा जाए। हम आजादी का जश्न मना रहे हैं। अंग्रेजों से जब गुलामी से छुटकारा मिला उसके बाद हम अपने आप को बहुत मजबूत समझ रहे हैं और ये हमारी जो मजबूती है इसको दुश्मन सलीके से समझ ले कि हम भारतीय हैं, हमारे खून में जो है वो रगों में जज्बा है, वो मोहब्बत है कि हम हर आदमी के साथ हर तरह से पेश आ सकते हैं। अगर हमारा कोई दुश्मन होगा तो उसके साथ हम वैसा ही व्यवहार करेंगे और हमारे साथ कोई अगर दोस्ती करता है, मोहब्बत से पेश आता है तो हम भारतीयों का दिल भी वैसा ही नर्म है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। 13 से 15 अगस्त के बीच जो है हर घर तिरंगा प्रोग्राम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता लगातार अपील कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को लेकर के लोगों से अपील की थी कि आप आजादी के अमृत महोत्सव यानी 75वें वर्षगांठ पर आप अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं और देशभक्ति का जो जज्बा है वो आम लोगों तक पहुंचाएं। अपने अंदर देश से जो मोहब्बत करने का जो प्रेम का जज्बा है उसको लेकर के दुनिया को बताना भी जरूरी है कि हम अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। इसी प्रोग्राम के तहत भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर और बिहार में बड़े चेहरे के तौर पर रविशंकर प्रसाद यादव को जाना जाता है और रविशंकर प्रसाद जो है वो लगातार इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं। आप देखिए के माध्यम से किस तरह से एक बड़ा काफला जो है वो राजधानी पटना की सड़कों पे घूम रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो हमारे दुश्मन हैं उन्हें हम सबक सिखाएंगे। हमारी जो देश की मोहब्बत है, देश से जो प्रेम है वो हमारे दिलों में उमड़ता है और जब 15 अगस्त का मौका है तो इस मोहब्बत में और भी ज्यादा इजाफा हो जाता है। उनके साथ पूर्व मंत्री नितिन नवीन भी हैं और जो विधायक है संजीव चौरसिया वो भी एक खुली गाड़ी में खड़े हैं और सबसे अद्भुत नज़ारा उस वक्त देखने को मिला कि जब रविशंकर प्रसाद आरजेडी कार्यालय के सामने पहुंचे तो बीजेपी के सभी नेताओं ने आरजेडी के जो कार्यकर्ता वहां खड़े थे उनको उन्होंने इशारे से सलाम भी किया और भारत माता की जय का नारा लगाया, जय हिंद का नारा लगाया, वंदे मातरम कहा और फिर उनका काफिला वहां से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तरफ मुड़ गया। इनकम टैक्स चौराहे पर भी जो पार्टी के लोग हैं वो हाथों में तिरंगा लेकर के इस रैली में शामिल हो रहे हैं और तिरंगा रैली निकाली जा रही है। ज्यादातर राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं और आम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो 75वीं वर्षगांठ है, आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, इसमें सब लोग शामिल हों और लोगों के अंदर जो एक जज्बा है मुल्क से प्रेम करने का, भारत से मोहब्बत करने का, उसको लेकर के लगातार लोगों से अपील की जा रही है और हर जगह तिरंगा फहराया जाएगा, सभी घरों पर तिरंगा लगाया जाएगा। इसको लेकर के डाकघरों में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बिक्री भी शुरू हो गई है और लोग तिरंगा खरीद रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा रहा है कि सभी शहरों में तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, नितिन नवीन अभी हाल ही में मंत्री थे, गठबंधन टूटने के बाद वो पूर्व मंत्री हो गए हैं, संजीव चौरसिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ये लोग एक गाड़ी में खड़े होकर के लोगों को आदाब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए तिरंगा जरूरी है। देश से मोहब्बत करने का जो जज्बा है उन चीजों को लेकर के तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। राजधानी पटना की सड़कों पर यह काफिला निकल पड़ा है और सब लोग यही कह रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान सबसे मजबूत था, हमारा हिंदुस्तान सबसे मजबूत है और ये तिरंगा सबसे ऊपर है। लगातार अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।